हेलो दोस्त, आपका स्वागत है वर्क बाजार यूट्यूब चैनल में। एक न्यू जॉब रिक्वायरमेंट लेकर आया हूँ होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में, और आपके जॉब लोकेशन भीठलपुर प्लांट गुजरात के अंदर रहने वाले हैं। दोस्त, होंडा एक इंडिया के टॉप कंपनी है और इस कंपनी में 60 कैंडिडेट के लिए रिक्वायरमेंट निकले हैं। और दोस्त, इसमें जो सैलरी जो आपको मिलने वाले हैं वो टॉप क्लास के सैलरी मिलने वाले हैं। जैसे आपके फर्स्ट ईयर जो सैलरी रहेंगे दोस्त, वो रहेंगे आपके 23,000 सैलरी रहेंगे, ठीक है। उसके बाद सेकेंड ईयर से जो सैलरी रहेंगे वो रहेंगे आपके 26,000 सैलरी। उसके बाद थर्ड ईयर जो सैलरी रहेंगे वो रहेंगे 28,000 सैलरी। उसके बाद 3 साल ट्रेनिंग के बेस पर जॉब करने से आपके कंपनी में परमानेंट जॉब मिल जाएंगे 3 साल के बाद। तो बेहतर अपॉर्चुनिटी है दोस्त होंडा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में जॉब करने के लिए। और मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, वीडियो को प्लीज आप स्किप मत करना, नहीं तो होंडा जैसे एमएनसी कंपनी में वीडियो भगा भगा के देखोगे, जॉब नहीं मिलेगा, कैसे अप्लाई करना है। यूट्यूब पे वीडियो आपको बहुत सारे मिल जाएंगे दोस्त, बहुत सारे है। बिस्लरी में वैकेंसी है, होंडा में निकला है, मारुति में निकला है। किसी को अगर यूट्यूब के द्वारा अदर चैनल वर्क बाजार छोड़कर किसी चैनल पर जॉब मिले तो मेरे को एक बार जरूर बताना। सारे के फेक वीडियो बनाते हैं और दूसरा नंबर व्यू पाने के लिए, लेकिन वर्क बाजार ऐसा नहीं करता है दोस्त, क्योंकि यहाँ पर वर्क बाजार पे टोटली जॉब जेन्युइन और फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। एचआर से मैंने बात किए हैं और एचआर की ओर से ये रिक्वायरमेंट सेंड किए हैं जीमेल पर, और वो आप तक मैं पहुँचा देना चाहता हूँ। तो दोस्त, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये जो वैकेंसी निकले हुए हैं ये किसी अदर यूट्यूबर पे यूट्यूब वाले के पास नहीं होंगे या किसी अदर वेबसाइट वाले के पास नहीं होंगे। ये वर्क बाजार और workbazaar.com वेबसाइट, sanajidc.blogspot.com, इसी तीन पे आने वाले हैं, ठीक है, और इसके अलावा कहीं पे नहीं। अगर मानता हूँ अगर यहाँ से कोई कॉपी करके चुरा के बनाता है वो अलग की बात है, लेकिन दोस्त वेबसाइट है sanajidc.blogspot.com, workbazaar.com और चैनल है वर्क बाजार, ठीक है, इसी पे आने वाले। तो वीडियो को आप स्किप मत कीजिएगा, और जो हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो दोस्त जाके सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। डिस्क्रिप्शन में होगा लिंक वेबसाइट के, जाके पोस्ट भी पढ़ सकते हैं, और कैसे अप्लाई करना है इस वीडियो में आप अंत तक बने रहे। फुल इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, और एक मैं आवश्यक सूचना बताता हूँ, अगर आप अप्लाई करते हो कोई रिस्पांस नहीं आते हैं तो आप मेरे को बता सकते हो, एचआर के मेरे पास नंबर है, आपके सेटिंग करवा देंगे। लेकिन भाई सेटिंग उसी का होगा जो मेरे को सपोर्ट करेगा, ठीक है। मैं बोलता नहीं भाई, मैं करता हूँ, मैं सिर्फ बोलने वाला इंसान नहीं हूँ, मैं करने वाला इंसान हूँ, ठीक ना। आपने देखा होगा टाटा मोटर्स के 50 YouTube चैनल पर वैकेंसी निकलता है, लेकिन कौन ज्वाइनिंग कराता है। और मेरा 5 तारीख को 7 बंदे ज्वाइनिंग हुए हैं, 7 बंदे वर्क बाजार देखकर गया है, ठीक ना। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहे, ज्यादा लेक्चर हम नहीं मारने वाला हूँ, थोड़ा सा आपको मोटिवेट किया हूँ कि ताकि यहाँ पर आप मेरे चैनल पे बन सकते हो, और यहाँ पर जितने भी जॉब रिक्वायरमेंट आते हैं आप उस पर अप्लाई करो, या कंपनी के गेट पे जाओ, नंबर देंगे, यहाँ से आप अच्छे खासे जॉब पा सकते हो। इसलिए मैं थोड़ा सा आपको मोटिवेट किया, बुरा लगे हो तो भाई चैनल से निकल जाओ डायरेक्ट, नो टेंशन। और मैं दोस्त आपको बोलना चाहता हूँ कि ये जॉब बिल्कुल फ्री है, इसलिए आप किसी व्यक्ति को पैसे ना दें। कोई भी व्यक्ति पैसे लेते समझ लो कि वो फ्रॉड है, ठीक ना। और चलिए मैं बताता हूँ, ज़्यादा टाइम आपसे नहीं लेंगे। तो दोस्त यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ शॉर्ट इन्फॉर्मेशन है, आप इसे पढ़ भी सकते हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्त मैं चलता हूँ आपको मुद्दे की ओर, ज़्यादा मैं टाइम नहीं लूँगा। तो दोस्त यहाँ पर आप देख सकते हैं लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन करने के लिए, वो रहेंगे 7 अप्रैल। 7 अप्रैल तक आप अप्लाई कर सकते हैं, और अप्लाई करने के बाद आपके पास कॉल आएंगे, और कुछ आपके सिंपल इंटरव्यू होंगे कॉल पे कुछ सिंपल इंटरव्यू होंगे, उसके बाद आपको बुलाएंगे कंपनी में, ठीक है। तो लास्ट डेट है 7 अप्रैल को, समय है 3 बजे तक, कल अप्लाई कर सकते हैं, 7 तक 3 बजे तक अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद अप्लाई करने से कोई फायदा नहीं, और जो भी बंदे अगर रिस्पांस नहीं आते हैं तो मेरे को कमेंट करना। मेरे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम के ग्रुप है, टेलीग्राम पे आप जुड़ जाओ, वहाँ पर मेरे को बताओ, वहाँ पर आप
कमेंट कर सकते हो, ऐसा बात नहीं कि टेलीग्राम मैंने चैनल नहीं बनाए, टेलीग्राम ग्रुप बनाए, वहां पर आप कमेंट कर सकते हो, मैं भी कर सकता हूँ, यानी कि सारे बंदे वहां पर कमेंट कर सकते हैं, मेरे को बता सकते हैं, वहां पर आपको हम हेल्प कर देंगे कि और एचआर के नंबर हम पर्सनली दे देंगे आपको, अगर ज्यादा आपको प्रॉब्लम है तो आपके कॉल वगैरह नहीं आते हैं, कुछ रिस्पॉन्स नहीं मिलते हैं तब, लेकिन मेरे चैनल को भाई सपोर्ट आपको करना पड़ेगा। तो देख यहाँ पर दोस्त देख सकते हैं कंपनी के जो नेम है वो होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, और कंपनी यहाँ पर देख सकते हैं जो आपके लोकेशन जो रहने वाले हैं पोदार इंडस्ट्रियल पार्क में भिठलपुर, यहाँ पर देख सकते हैं भिठलपुर मंडल गुजरात के अंदर आपके जॉब के लोकेशन रहने वाले हैं। एक बार सर्च मार सकते हो होंडा प्राइवेट लिमिटेड, होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड भितलपुर गुजरात, आपके आ जाएंगे मैप के लोकेशन। और दोस्त इसमें जो एजुकेशन ले रहे हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेशर कैंडिडेट को, डिप्लोमा कैंडिडेट को ले रहे हैं जिसके पासिंग ईयर्स 2019, 2020, 2021 से मैकेनिकल और ऑटोमोबाइल से जो डिप्लोमा पास किए ना उसके लिए बेहतर अपॉर्चुनिटी है भाई, इस अपॉर्चुनिटी को आप गवाना मत, प्लीज हाथ जोड़ता हूं कि ऐसे सैलरी भाई अदर कंपनी में नहीं मिलने वाले हैं, क्योंकि यहां पर आप सैलरी जो आपको मिल रहे लेकिन यहां पर 3 साल के बाद आपको परमानेंट करने वाले कंपनी, सबसे बड़ा ये रूल होता है कि दोस्त परमानेंट, अगर आपको जॉब परमानेंट मिल जाते ना तो सरकारी नौकरी से बेटर है, समझ रहे ना बात को, तो आप इस पे ध्यान दें। और बहुत सारे बंदे कमेंट करेंगे कि मेरा बीटेक है मैं अप्लाई नहीं कर सकता हूँ, तो दोस्त अभी आप प्लीज़ अप्लाई नहीं कर सकते हो, उसके लिए मैं एचआर से बात करूँगा बीटेक के लिए, अगर वो बोलेगा तो रिक्वायरमेंट मैं निकालूंगा, टेंशन मत लो। और अदर यूट्यूब चैनल पर जो देखते हो भाई बीटेक डिप्लोमा ये 8वीं पास 10,000-20,000 सैलरी आना खाना फ्री, भाई वो सब फेक है, उसके चक्कर में मत पड़ो, आप बीटेक डिप्लोमा करके वो सब चैनल के चक्कर में मत पड़ो, नहीं तो आपके टाइम बर्बाद हो जाएंगे, मैं बोलता हूँ कि आपके टाइम बर्बाद हो जाएंगे। कुछ ऐसे चैनल है जिसका नाम मैं बता देना चाहता हूँ, खुल के बताऊंगा, डरता नहीं, जॉब बेलरी, ये साले एक नंबर का चूतिया बंदा है, ठीक ना, ये कुछ से कुछ डालते रहते व्यू पाने के लिए, ऑनलाइन जॉब ज्ञान, ये सब देखो इतना, मतलब कि क्या मैं बताऊं यार, हद पार कर देते, थंबनेल पे ऐसे लिखेगा 8वीं 10वीं पास 25,000 सैलरी रहना खाना बिल्कुल फ्री, उसका बाप देगा रहना खाना फ्री, तेरा बाप देगा, साला व्यू पाने के लिए तू कुछ से कुछ युवा के भविष्य मत खराब कर, नहीं तो जिस दिन युवा ना जग जाएगा ना, अब तू अपना फेस दिखा देगा ना, बिहार के बांस होते ना मोटा मोटा, उस बांस से मार के तेरा पिछवाड़ा लाल कर दूंगा, और हम उसका सपोर्ट करेंगे। तो जो चैनल पर फेक दिखाते हैं उसका आप लोग विरोध करो, और वीडियो के यहाँ पर 3 डॉट जो रहते हैं दोस्त, मैं जो वीडियो आपको फेक लगता है यहाँ पर 3 डॉट रहता है, ठीक ना, उस पर क्लिक करो, उसको रिपोर्ट मारो, अगर आप लोग रिपोर्ट नहीं मारेंगे तो YouTube पे ऐसे कचरा फैलते जाएंगे और आप सबके टाइम ऐसे बर्बाद होते रहेंगे, मेरा बाप इसमें से कई सारे को बुरा लगते होंगे, तो बुरा लगते है भाई, मैं सच के साथ हूँ, सच के साथ, ठीक ना। तो वीडियो में आप तक बने रहे, बहुत कुछ यार मेरे को दिमाग खराब हो जाता है जब ऐसे कोई वैकेंसी निकालते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर दोस्त देख सकते हैं आपके जो जॉब के लोकेशन मैंने बता दिए, और इस कंपनी के अंदर ओनली डिप्लोमा वाले जा सकते हैं जिसके ट्रेड मैकेनिकल और ऑटोमोबाइल से जिसने किए हैं, जिसके पासिंग ईयर्स 2019, 2020, 2021 है, और डिप्लोमा इंजीनियर के लिए रिक्वायरमेंट निकले हैं। और आपके जो कंपनी में किस पद पे ज्वाइनिंग होंगे, बहुत सारे बंदे के ऐसे डिमांड है किस पद पे मेरे लेंगे, तो भाई आपको जो अभी आपके ज्वाइनिंग होंगे वो होंगे प्रोडक्शन में, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में आपके अभी ज्वाइनिंग होने वाले हैं, और 3 साल के बेस पर आपके ट्रेनिंग के बेस पर ले रहे हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं दोस्त, देख सकते हैं यहाँ पर प्रोडक्शन, ठीक है, और कंपनी के अंदर टोटल 60 कैंडिडेट के लिए रिक्वायरमेंट निकले हैं, और क्वालिफिकेशन यहाँ पर देख सकते हैं डिप्लोमा मैकेनिकल और ऑटोमोबाइल से होना चाहिए। और यहाँ पर देख सकते हैं दोस्त 3 साल के लिए आपके ट्रेनिंग के बेस पर रखे जाएंगे, उसके बाद जॉब आपके परमानेंट कर देंगे। और कंपनी में दोस्त मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि फुल फैसिलिटी है, जैसे इसमें कैंटीन है, बस है, पीएफ है, यानी कि फुल फैसिलिटी आपको कंपनी के अंदर मिलने वाले हैं। और यहाँ पर दोस्त देख सकते हैं सैलरी पैकेज भी देख सकते हैं, फर्स्ट ईयर यहाँ पर देख सकते हैं 23,000 पर मंथ सैलरी है, सेकेंड ईयर यहाँ पर देख सकते हैं 26,000 सैलरी है, और थर्ड ईयर देख सकते हैं 28,000 सैलरी है। दोस्त ये सैलरी बहुत सारे इसमें बोलेंगे कि दोस्त कि भाई नीरज भाई आप अदर कंपनी में इतना सैलरी क्यों नहीं, भाई आपने कुछ ब्रांड का नाम सुना है, देखो जींस तो हर प्रकार के मिलते हैं, लेकिन पवेलियन का दाम इतना क्यों है यार, पवेलियन का इतना दाम क्यों है, रॉकी का इतना दाम क्यों है। तो इसी तरह भाई
ब्रांड जो कंपनी है उसमें सैलरी ज्यादा मिलते हैं। टाटा मोटर्स हो गए, मोटर्स क्या क्या बोलते हैं यार, एमजी मोटर्स हो गए, बहुत सारे ऐसे कंपनी है दोस्त जिसमें अच्छा सैलरी मिलता है, एक्साइड हो गए, ठीक है। तो इसी वजह से होंडा में सैलरी अच्छा है। होंडा में कभी कभी जब निमराना में जब निकलते हैं तो ट्वेल्थ वाले को 14,000 सैलरी देते हैं। अब बताओ यार, मारुति सुजुकी में जब निकलते हैं तो टेंथ वाले को जो आईटीआई जो कराते हैं उसमें भी 13,700 सैलरी है, समझ रहे हैं बात को। तो यहाँ पर आपको सैलरी काफी अच्छा मिलने वाले है, ये कोई फेक जॉब नहीं है। और आपको डेट मैंने बता दिए दोस्त, आपके जो डेट रहेंगे वो रहेंगे 7/4/2022 को, 22 तक अप्लाई कर सकते हैं, समय 3 बजे के तक अप्लाई कर सकते हैं, उसके बाद अप्लाई आपको नहीं करना है। और अप्लाई करने के लिए यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर लिंक जो है ना वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, ठीक ना, उस लिंक पर आपको क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद इस पेज पर आ जाओगे जो कि मेरा वेबसाइट है, हम और चेतन भाई जो है साथ मिलकर काम करते हैं, क्योंकि अकेले से भाई हम लोग काम नहीं कर पाते हैं। इसी वजह से हम और चेतन भाई ने ठान लिया है कि जितना भी बेरोजगारी बन गया यार, जॉब अब धीरे धीरे काम स्टार्ट कर रहे हैं और आप सबको हेल्प मिलेंगे अच्छे अच्छे कंपनी में जॉब पाने के लिए। बस आप सब चैनल को सपोर्ट करो प्लीज। और यहाँ पर आप जो अप्लाई मोड है ना, इस पर आप क्लिक करके फॉर्म को फिल कर सकते हैं। कैसे फॉर्म को फिल करना है वो भी हम बताएंगे। और यहाँ पर व्हाट्सएप के ग्रुप है, इस पर भी आप ज्वाइनिंग हो सकते हैं। और यहाँ पर टेलीग्राम के भी ग्रुप है, इसमें भी ज्वाइनिंग हो सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में भी वेबसाइट और टेलीग्राम सबके लिंक मिल जाएंगे, वहां से भी आप ज्वाइनिंग कर सकते हैं। और तो दोस्त इसमें फुल इंफॉर्मेशन मैंने आपको दे दिए है, यहाँ पर देख सकते हैं, कुछ यहाँ पर पढ़ सकते हैं, ठीक है, चैनल के बारे में। चलिए मैं अप्लाई करके आपको दिखाते हैं, ठीक है। यहाँ से क्लिक है अर्जुन, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्त यहाँ पर आप देख सकते हैं होंडा मोटर साइकिल एंड स्कूटर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। तो यहाँ से क्या करना है दोस्त, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ से आपको यहाँ पर क्लिक करना है, ये देखिए एडिट यहाँ पर, ठीक ना, इस पर चलिए क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप फुल नोटिफिकेशन देख सकते हैं दोस्त, फुल नोटिफिकेशन। और होंडा की तरफ से मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि ये नोटिफिकेशन कहीं और नहीं मिलने वाले हैं, कुछ इसमें लोग ना बुरा लगते होंगे, ठीक ना, तो बुरा लगते हैं ना भाई, निकल जाओ चैनल से, मैं बोलता हूँ। तो ये कंपनी की ओर से भाई नोटिफिकेशन निकल के आए हैं, ये कंपनी के करियर पेज पे भी आपको नहीं मिलेगा, ठीक ना। और यहाँ पर देख सकते हैं होंडा मोटरसाइकिल स्कूटर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, और इसमें फुल इन्फॉर्मेशन दिए हैं, ठीक है, पोदार इंडस्ट्रियल पार्क, यहाँ पर सब चीज़ दिए है, पासिंग ईयर्स जो भी मैंने आपको बताए वो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। सैलरी पैकेज देख सकते हैं, CTC सैलरी जो आपको मिलने वाले हैं, कितना अच्छा सैलरी है, ठीक है। अब तो इसको अप्लाई कैसे करना है दोस्त, तो इसको क्या करते हैं हम थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है दोस्त, यहाँ से आपको सबसे पहले एक जीमेल आईडी दे देना है, अपना जीमेल आईडी आप लिख लीजिएगा, यहाँ पर मैंने डाल दिया है। उसके बाद यहाँ पर अपना फुल नाम डाल सकते हैं, चलो इसको मैं यार मिटा देता हूँ यार, चेतन भाई ने अप्लाई किया था ना इसी वजह से, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा सा आप सबको लाइव में दिखा रहा हूँ, लाइव यहाँ से अपना जीमेल आईडी सेलेक्ट कर सकते हो, यहाँ से अपना जीमेल आईडी, एक अच्छा जीमेल आईडी जिसपे कंपनी की ओर से जो रिप्लाई है वो आप इजीली देख सकते हो। ये नहीं कि ऐसा जीमेल आईडी दे देना कि दिन में 200 मैसेज घुसते रहते हैं आपको पता नहीं चलता है, ठीक ना, बेहतर अपॉर्चुनिटी इसलिए बता रहा हूँ। यहाँ पर अपना फुल नेम डाल सकते हो कैपिटल में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर सकते हो, और सेलेक्ट करने के लिए ये वाले जो एरो ना इस पर क्लिक करके आप सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर डिप्लोमा के जो ब्रांच है ना, कौन सी ब्रांच से किए हो, यहाँ पर ब्रांच आप डाल सकते हो। आपको यहाँ पर दो ही ब्रांच मिलेंगे, एक है मैकेनिकल, एक है ऑटोमोबाइल, ठीक है। और अदर जो ब्रांच है वो आप प्लीज ना आ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर दोस्त आपको डालना है मेल हो या फीमेल है, दोनों के लिए रिक्वायरमेंट निकले हैं, मेल एंड फीमेल के लिए। उसके बाद यहाँ पर आपको ऑन यहाँ पर देख सकते हैं एनरोलमेंट के नंबर आपको देने पड़ेंगे, ठीक ना, यहाँ पर देख सकते हैं एनरोलमेंट आपको नंबर देने पड़ेंगे जो भी आपको है, आप दे देना, इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं मोबाइल नंबर, आपके जो पर्सनली मोबाइल नंबर है वो यहाँ पर आप डाल सकते हो। उसके बाद यहाँ पर दोस्त देख सकते हैं कॉलेज के नेम, यहाँ पर देख सकते हैं कॉलेज के नेम, इस सब कॉलेज वाले यहाँ से, अगर इसमें से आपके कॉलेज मिलते जुलते हैं तो ठीक है, नहीं तो यहाँ से आप अदर पे क्लिक कर सकते हैं। और यहाँ से आप अपना यहाँ से पासिंग ईयर्स यानी कि टेंथ आप पास कब किए हो वो यहाँ पर बोलते हैं, ठीक ना। तो आप जब टेंथ पास किए तो यहाँ पर ईयर्स डाल सकते हैं अपना, ठीक ना।
उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि टेंथ में आपके रिजल्ट कितने परसेंटेज है, तो जितने भी परसेंटेज हैं आप यहाँ पर डाल दीजिएगा। मैं अपना यहाँ पर डाल दें तो इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक ना। आपके जो भी है रिजल्ट आप यहाँ पर आप जितने परसेंटेज यहाँ पर डाल सकते हैं। उसके बाद डिप्लोमा के जो पासिंग ईयर्स हैं वो आपने कब पास किए यहाँ पर डाल सकते हैं, यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं कि आप 19 में किए हो या 20 में किए हो या 21 में किए हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर डिप्लोमा वाले का जो परसेंटेज है वो यहाँ पर आप डाल सकते हैं कि मेरा डिप्लोमा में फाइनल ईयर्स, ठीक ना, वो कितना परसेंटेज है यहाँ पर डाल सकते हैं फाइनल ईयर्स, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं दोस्त रेसिडेंटल यहाँ पर आपको डालना पड़ेगा, यानी कि फुल एड्रेस जो आपको प्रॉपर जो एड्रेस है वो यहाँ पर आपको डालना पड़ेगा। प्रॉपर एड्रेस डाल के बस पिन नंबर यहाँ पर जैसे मैंने डाले एग्जांपल में देख सकते हैं वो डालकर यहाँ से क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर अपना पोस्टल कोड यानी सिटी के जो पिन कोड है या पिन कोड आपको डाल देना है, ठीक ना। और डाल देने के बाद एक अच्छा जो प्रोफेशनल रिज्यूम जो होते हैं, अगर आपने रिज्यूम नहीं क्रिएट करवाया तो अपडेट रिज्यूम यानी कि 2022 के अपडेट रिज्यूम होना चाहिए और उसमें अच्छे से आपके फुल डिटेल्स मेंशन होना चाहिए और यहाँ पर से आपको क्लिक करना है। यहाँ से क्लिक करने के बाद यहाँ से अपडेट यहाँ से रिज्यूम आपको यहाँ पर अपलोड कर देना है और रिज्यूम अपलोड करने के बाद यहाँ से आपको क्या करना है, सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद ये फॉर्म फिलिप हो गया दोस्त, तो आपके क्या होंगे, अब ये फॉर्म जब फिलिप हो गया तो आपको कंपनी की ओर से कॉल आएंगे या एसएमएस आएंगे या जीमेल आएंगे, ठीक है। जीमेल आने के बाद थोड़ा सा जो बेसिक इंटरव्यू होते हैं वो कॉल पे होंगे, उसके बाद कंपनी में आपको बुलाएंगे और यहाँ पर आपके ज्वाइनिंग हो जाएंगे। तो दोस्त मैं आपको बता दूं कि इंटरव्यू इसमें थोड़ा सा हार्ड रहने वाले हैं, थोड़ा सा हार्ड रहने वाले इंटरव्यू। तो आप YouTube का सहारा ले सकते हो, YouTube का सहारा ले सकते हो कि कंपनी में इंटरव्यू कैसे दें, अपना जैसे अपने बारे में इंट्रोडक्शन देना, थोड़ा इंग्लिश में अच्छे से कैसे दें, एक मतलब क्या बोलते हैं प्रोफेशनल टाइप पे अपना इंट्रोडक्शन इंग्लिश में कैसे दूं, उसके बाद कुछ प्रोडक्शन जो डिपार्टमेंट होते हैं ना उसकी जानकारी आपको ले लेना है और ऑटोमोबाइल और मैकेनिकल मोबाइल के बारे में ना कंपनी में यूट्यूब पे बहुत सारा वीडियो पड़े तो उसके बारे में चार घंटा पाँच घंटा वीडियो को देख लेना एकदम अच्छे से, ताकि नॉलेज आपको कंपनी के बारे में मिल सके और आप इंटरव्यू में बिना सोचे समझे आप रेल सकते हो और इंटरव्यू कंफर्म करके अपना जॉब हासिल कर सकते हैं। तो दोस्त आपको वीडियो अच्छा लगे हो तो चैनल को यार प्लीज सब्सक्राइब कर देना, प्लीज मैं हाथ जोड़ता हूं क्योंकि ऐसा वीडियो आपको अदर चैनल पर नहीं मिलने वाले। तो मिलते हैं दोस्त नेक्स्ट वीडियो में।